हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम ऑन माय चैनल इंडियन मॉम फॉरएवर। और आज हम बात करने वाले हैं लक्सर के इस 11 एग्जीक्यूटिव पेन सेट के बारे में। और यहाँ पर बहुत सारे पेन एक ही बॉक्स के अंदर हमें मिलते हैं। ये बॉक्स का एमआरपी है 175 रुपीज़। और ये 175 रुपीज़ के अंदर हमें इतने सारे पेन एक साथ मिल जाते हैं। साथ ही साथ जो भी हमारी नीड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या होता है कि अलग अलग से परचेज करना रहता है। एक बॉल पेन चाहिए होता है, हाइलाइटर चाहिए होता है, पढ़ाई में सारी चीज़ें चाहिए होती है, पेंसिल भी चाहिए होती है, तो वो सारे वेरिएंट्स इसमें एक साथ यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। तो लक्सर का ये जो प्रीमियम सेट है ये गिफ्टिंग ऑप्शन के तौर पर भी देखा जा सकता है। 175 रुपीज़ की एमआरपी के साथ में ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। अभी ये पेन सेट तो मैंने शॉप से परचेज़ किया था, इसको काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग एक महीना से ज़्यादा का वक्त हो गया है। और उसके बाद में अभी 1 मंथ के बाद मैंने जब इसका ऑनलाइन प्राइस चेक किया था, इसका एमआरपी 225 रुपीज़ दिखा रहा था और डिस्काउंट में 222 रुपीज़ के अंदर। तो काफ़ी अच्छी डील मुझे मिल गई पहले परचेज करने से। सबसे पहले तो हम यहाँ ऊपर से देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं तो यहाँ पर इरेजेबल हाइलाइटर मिल जाता है, उसके बाद व्हाइट बोर्ड का मार्कर मिल जाता है, फिर डीवीडी और OHP मार्कर यहाँ पर हमें मिल जाता है, उसके बाद साइन पेन ब्लू कलर के अंदर हमें मिल जाता है, यहाँ पे माइक्रो पेन भी हमें मिल जाता है जो कि ग्राफिक्स में काम आता है, ग्राफिक माइक्रो पेन ब्लू कलर के अंदर, यहाँ पे फाइन राइटर ब्लू पेन हमें यहाँ पे मिल जाता है, यूनिफ्लो बॉल पेन हमें यहाँ पे मिल जाता है, सारे ब्लू कलर के अंदर है, यहाँ पर जेल पेन हमें मिल जाता है, लिक्विराइट बॉल पेन हमें मिल जाता है और मैकेनिकल पेंसिल मिल जाती है। और साथ में यहाँ पर लीड्स की ट्यूब भी है जो कि 10 है नंबर के अंदर। अब वन बाय वन करके हम इन सारे पेन के बारे में बात कर लेते हैं, सबको हमने यूज़ करके देखा। तो सबसे पहले ये जो इरेजेबल हाइलाइटर है इसकी बात करते हैं। एक तरफ से ये हाइलाइटर है और यहाँ दूसरी तरफ से ये इरेजर का काम करता है। इसका हाईलाइट किया हुआ पार्ट आप इरेज भी कर सकते हैं, तो ये 2-in-1 चीज़ हमें यहाँ पर मिल जाती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वाइट बोर्ड मार्कर पेन की। ब्लू कलर के अंदर ये वाइट बोर्ड मार्कर पेन हमें यहाँ मिल जाता है। फिर हम बात करते हैं लक्सर के इस पेन की, जो दिखने में हमें पायलट पेन के जैसा दिखता है लेकिन इसका जो निब है वो थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पर, और इसका जो लिखाई है वो भी थोड़ा अलग है। ग्राफिक पेन है ये, कुछ ग्राफिक्स वगैरह में यूज़ किया जाता होगा। फिर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं लक्सर की तरफ से इस जेल पेन की। जेल पेन से लिखावट बहुत अच्छी आ रही है, बहुत स्मूथ चल रहा है, इसका पकड़ ग्रिप यहाँ से बहुत अच्छा है, मुझे ये काफ़ी पसंद आया। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं लक्सर के इस यूनिफ्लो पेन के बारे में। लक्सर का ये यूनिफ्लो पेन भी बॉल पेन है ब्लू कलर का और बहुत अच्छी लिखावट देता है यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट लक्सर का फायर राइटर पेन के बारे में बात कर लेते हैं। और फायर राइटर पेन जो है ना बहुत, मतलब इसका जो स्मूथ है ना बहुत अच्छा फ्लो है, इसका निब बहुत स्मूथ है, जो पॉइंट है बहुत शार्प है, बहुत पतला इससे लिखा जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास लक्सर का साइन पेन है जो कि अगर इसको देखें तो स्केच पेन में होते ना, तो स्केच पेन का थोड़ा सा लाइटर वर्जन ले लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये लक्सर का साइन पेन है। उसके बाद में लक्सर का एक और पेन है जो कि CD, DVD या ऐसी ही सरफेसेस पर लिखने के काम आ सकता है, जो कि थोड़ी सी चिकनी होती हैं, उस पर पेन अच्छे से नहीं लिख पाता है, तो वहाँ पर ये काम आ सकता है। फिर हमारे पास ये लक्सर का पेंसिल आ जाता है। तो यहाँ पर इस पेंसिल के साथ में यहाँ पर हमें 10 यहाँ पर लीड भी मिलती है, और यहाँ पर इसको जब हम राइट करते हैं तो अच्छी लिखावट आती है लेकिन थोड़ा सा लाइटर है। पेंसिल से लिखावट को अगर जज करते हैं तो उसकी स्मूदनिंग और उसका जो मक्खन की तरह चलना, एक तो पेंसिल की लीड का और दूसरा कि उसका डार्कनेस कितना अच्छा है, तो ये स्मूदनिंग ठीक ठाक है लेकिन डार्कनेस थोड़ा सा कम है, तो उसी वजह से ठीक ठाक लगा। अभी हमारे पास लक्सर का ये लिक्विड राइट पेन है,
तो इस पेन की एक बहुत बड़ी कमी है कि इसको इस तरीके से खड़ी पोजीशन में लिखना पड़ता है। अगर इसको इस तरीके से स्लांटिंग हम पोजीशन में ले लेते हैं तो लिखावट आना बंद हो जाती है। तो यहाँ पर हमने लिख करके भी देखा और मैंने फील किया कि ये वाले पेन को यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, अक्सर लिख भी राइट पेन। तो इस पर लिखा है कि इंक विल ग्लाइड ऑन पेपर, तो ये ग्लाइड तो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ऑल इन ऑल देखा जाए तो ये डील काफ़ी अच्छी है। इतने कम पैसे में यानी कि 175 रुपीज़ में यहाँ 11 तरीके के पेन हमें मिल जाते हैं और कहीं से कुछ कलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, सब तरीके के पेन इसमें डाले गए हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है, गिफ्ट कर सकते हैं, बच्चों के लिए खरीद सकते हैं, अपने लिए खरीद सकते हैं, तो सारे के सारे पर्पस सॉल्व होते हैं। मुझे तो लक्सर की तरफ से ये एग्जीक्यूटिव पेन का सेट ऑफ 11 काफ़ी पसंद आया। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मिलूंगी और भी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।